भारत में वही हिंसक शक्तियां सक्रिय थी जिन्होंने केवल 15 वर्षों में पर्शिया से जरथुष्ट को मिटा दिया। सिर्फ 4 साल में ही प्राचीन बेबीलोन और मिश्र को परिवर्तित कर दिया। 1300 साल लग गए, आज भी भारत पूरा परिवर्तित नहीं हुआ है। प्रश्न उठता है कि हिंदू कैसे बच गए? इतने सारे ग्रंथ हिंदू हत्याकांडों और उनकी सभ्यता के विनाश से भरे हुए हैं। इनकी पुष्टि उस समय के यूरोपियन यात्री और हजारों पुरातात्विक प्रमाण करते हैं, जिनको आज सबसे उदार माना जाता है, तोताए हिंद और हिंद की आवाज माना जाता है, वो तुर्क हिंदुस्तान की सरजमी से हिंदुओं का नामो निशा मिटाने की इच्छा रखता था। इसलिए हिंदुओं के बचे रहने का कारण मूर्ति पूजकों के प्रति तुर्क उदारता नहीं थी, केवल हिंदू वीरता भी नहीं है। प्राचीन संस्कृति के लिए लड़ने वाले योद्धा तो पर्शिया और बेबीलोनिया में भी रहे होंगे, यूरोप के पैगनों में भी थे, लेकिन कोई भी प्राचीन संस्कृति को बचा नहीं पाया। इस्लाम डिस्ट्रॉयड द सिविलाइजेशन इन पर्शिया, द बाइजेंटाइन एंड द ससानिद एम्पायर्स वर आल्सो सीरिया, इजिप्ट, एवरी प्लेस। इनफैक्ट इंडिया दे टुक द लॉन्गेस्ट टू कॉन्कर। दे Within 100 years of the death of Muhammad, the Arabs had established an empire that extended over parts of Europe, the entire Central Asia, Egypt, Iran, Syria, Iraq, within 100 years. And it took them 75 years to conquer just Sindh. And from the time that they started foraying into this area and they went to Kabul Valley, etc., it took 400 years for them to establish a foothold in Punjab. When the Delhi Sultanate was established in 1206, for the first 100 years, they could not add an inch of territory to what Muhammad Ghori had added because the resistance was so much. प्रतिरोध, आत्मरक्षा के लिए किए गए विश्व के सबसे प्रचंड प्रतिरोध का आत्मबल योग से आया था। योग समान बल नहीं और सांख्य समान ज्ञान नहीं, ये बात युद्ध के ग्रंथ महाभारत में कही है। युद्ध के बीचों बीच ये भी कहा गया है कि आत्मा को तलवार नहीं काट सकती। आत्मा अवध्य है और शरीर तो वैसे भी नहीं बचेगा। ये बात जो जान गया वो मतवाला हो गया। उसे मौत नहीं हरा सकती, उसको कोई डरा नहीं सकता, उससे डरना पड़ता है। केसरिया बाना पहनकर जब लोग शरीर को फटे पुराने कपड़े की तरह रणभूमि में त्यागने के लिए निकलते थे, तो साधुओं का वैराग छोटा पड़ जाता होगा। आत्मबल के आवेश में रणबांकुरे आक्रमणकारियों को लगातार हराते रहे, जीते हुए किलों को वापस लेते रहे, लेकिन लगातार होते आक्रमणों का सामना करते करते करोड़ों नरनारी मारे गए। अपवित्र हाथों से बचने के लिए लाखों वीरांगनाओं ने अग्नि से बनी देह अग्नि को समर्पित कर दी। उत्तर में राजपूतों के मानवीय संसाधन क्षीण हो गए, उन्हें आक्रमणकारियों से समझौता करना पड़ गया। तभी दक्षिण में विजयनगर साम्राज्य पैदा हो गया और लंबे समय तक बना रहा। जब विजयनगर साम्राज्य को 5 मुस्लिम सल्तनतों ने हरा दिया तो मराठे आ गए। न केवल दक्कन बल्कि वे दिल्ली तक पहुंच गए। जब अंग्रेज भारत पर अधिकार कर रहे थे तब भारत में मुगल नहीं मराठा छाए हुए थे। आज भारत में जो प्राचीन संस्कृति दिखाई देती है वह मूलतः मराठा प्रभुत्व का परिणाम है। उत्तर भारत कई बार ईरान या अफगानिस्तान का अंग हो गया था। यदि सिख साम्राज्य नहीं होता तो उत्तर भारत आज भारत में नहीं होता।
सिख गुरुओं की धर्म में निष्ठा ने जनता में ऊंचा आदर्श प्रस्तुत किया। उनके निश्चय को देखकर आम जनता की अपने धर्म और संस्कृति के प्रति निष्ठा दृढ़ हो गई। लड़ने का नया उत्साह पैदा हो गया। आज हम भूल गए हैं कि हिंदू या सिख प्रतिरोध मूलतः धार्मिक स्वतंत्रता के आधुनिक मूल्यों का प्रतिरोध है। ये केवल धन सत्ता या भूमि पर अधिकार को लेकर होने वाले युद्धों की श्रृंखला नहीं थी। ध्यान की अति आधुनिक परंतु अति प्राचीन संस्कृति के शास्त्र को बचाने के लिए किया गया प्रयास था। शास्त्र की रक्षा के लिए जो शस्त्र उठे, उन शस्त्रों की चमक से पैदा हुआ प्रकाश ही भारतीय संस्कृति की निरंतरता है। भारत की निरंतरता दो पांवों पर टिकी है, शास्त्र और शस्त्र। ध्यानस्थ नारायण की सुरक्षा के लिए नर युद्ध करता था। शास्त्रों के प्रवर्तक आदि योगी भारत में हथियारों के सबसे बड़े सप्लायर माने जाते हैं। उन्हीं के अवतार आचार्य शंकर ने भारत को केवल शास्त्र के नीचे संगठित नहीं किया, उन्होंने साधुओं के 10 नामी संघ बनाए थे। वे दो प्रकार के थे, शास्त्रधारी और अस्त्रधारी। इन्हीं में सबसे बड़ा साधु संगठन रामानंदी संप्रदाय था। भारत की रक्षा में इसका बहुत योगदान है। सोमनाथ के मंदिर में हजारों भक्त भजन करते रहे कि भगवान सोमनाथ हमें बचाएंगे। गजनवी ने उन्हें घात डाला। देश और हिंदू हताश हो गए। तब रामानंदियों ने याद दिलाया कि पूर्ण में से जो निकला है वो पूर्ण ही है। भक्त दीन नहीं होते, भगवान से कम नहीं होते। भक्त भी भगवान को बचाया करते हैं। भक्त ज्ञान और गुण के सागर तो होते हैं, पर अतुलित बल के धाम भी होते हैं। पाताल में जाकर भगवान को मौत के मुंह से निकाल लाया करते हैं। इस भक्त ने कभी ये नहीं सोचा कि राम मेरे लिए किस काम के। ये तो हमेशा यही सोचते हैं कि मैं राम के किस काम आऊं, क्या करूं जिससे मेरे राम के मुख पर मुस्कान आ जाए। किसी भी कंपनी या संगठन का सपना होता है कि उसके पास ऐसे समर्पित कार्यकर्ता हों। इसीलिए आज भी हनुमान जी लोकप्रिय हैं। भारत का सैनिक आज भी हनुमान जी से प्रेरणा पाता है। वह ये नहीं सोचता कि भारत मेरे लिए किस काम का, वह तो ये सोचता है कि मैं भारत की रक्षा में कैसे काम आऊं। भारतीयों का विश्वास है कि हनुमान जी मरे नहीं, हमारे आसपास ही कहीं छुप कर रहते हैं। आज भी भारत के गांव में ये प्रसिद्ध है, जय बजरंग बली तोड़ दुश्मन की नली। तुर्क भारत को गुलाम बनाने के लिए 40 का दल लाए थे। एक भक्त ने इनका 40 लिखकर तुर्कों की नलियां ही तुड़वा दी। तुर्क मूर्तियां तोड़ते थे, हिंदू हर पत्थर के टुकड़े पर सिंदूर डालकर उन्हें बजरंग बली बना लेते थे। मध्यकाल में भक्ति नहीं होती तो भारत बचता नहीं। भक्ति पर सन 1585 में भक्त नाभादास जी ने एक ग्रंथ लिखा, भक्तमाल अर्थात भक्तों की माला। नाभादास जी और सूरदास जी ने जिनको भक्त शिरोमणि माना, वो और कोई नहीं तुलसीदास जी हैं। तुलसीदास जी के पद कमल बारंबार माना, हनुमत हो सहाय। तुलसी हैं भक्तों के चक्रवर्ती सम्राट। सदगुरु चक्रवर्ती सुच सरल संत श्री तुलसी गुण गायक सीताराम जी के।
इतिहासकार विंसेंट स्मिथ ने तुलसी की जीवनी लिखी है। उनके अनुसार तुलसीदास अकबर के समकालीन थे। वे अकबर से महान थे और उस युग के महानतम मानव थे। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है कि उन्होंने उत्तर भारत में स्वयंभू धर्म राज्य स्थापित किया था। भाषाविद सर जॉर्ज ग्रियर्सन ने कहा है कि बुद्ध के बाद वे जनता के सबसे बड़े नेता थे। आधुनिक समय के महानतम लेखक थे। लेखक एडमोर जे बेबिन्यो ने कहा है कि अगर वे पश्चिम में पैदा होते तो शेक्सपियर से महान माने जाते। निराला उन्हें टैगोर से ऊपर कालिदास और व्यास की श्रेणी में रखते हैं। अर्नेस्ट वुड ने कहा था कि उनकी रामचरितमानस लैटिन या ग्रीक की सभी पुस्तकों में श्रेष्ठ है। कितना अद्भुत है कि उत्तर भारत के निरक्षर ग्रामीण इस विशाल ग्रंथ को कंठस्थ करते आए हैं। प्रसिद्ध कवियत्री महादेवी जी लिखती हैं, जब तलवारों का पानी उतर गया, शंखों का घोष विलीन हो गया, तब भी तुलसी के कमंडल का पानी नहीं सूखा। हम पौराणिक राम को नहीं, तुलसी के राम को जानते हैं। आज भी जो समाज हमारे सामने है, वह तुलसी का निर्माण है। तुर्क बाबर भारत की भूमि के लिए एक आक्रमणकारी था। उसने अपने पूर्वज तैमूर से प्रेरणा लेकर भारत पर आक्रमण किया था। पोता धार्मिक दृष्टि से उदार था, लेकिन वह अपने तैमूरिया खानदान पर गर्व करता था। उसने एक काफिर राजा हेमचंद्र विक्रमादित्य की गर्दन काटकर गाजी की उपाधि धारण की, जिस पर वह जीवन भर गर्व करता रहा। उसके पिता हुमायूं को अफगानों ने भारत से मार भगाया था। अफगान खतरे से बचने के लिए अकबर ने राजपूतों से मित्रता की। हिंदुओं को जीवित रहने के लिए जो कर देना पड़ता था, वो जजिया कर और तीर्थ यात्रा कर माफ कर दिया। उसके कार्यों से भारत की विनाश लीला रुक गई। भारत पुनः आर्थिक समृद्धि के पथ पर लौटने लगा। अकबर के बेटे जहांगीर ने हिंदुओं का पुनः जबरन धर्मांतरण शुरू कर दिया। ज्यादातर दिल्ली सुल्तान अपनी ही प्रजा से घृणा करते थे, उस पर आक्रमण करते थे, उनको पकड़कर दास बाजार में बेच देते थे। सभी दासों को मुसलमान होना पड़ता था। जिन्होंने जंगलों में भागकर अपनी जान और धर्म बचाया, क्या आप जानते हैं वो कौन है? प्रोफेसर के एस लाल लिखते हैं कि आज हिंदुओं में एससी एसटी ओबीसी 50% है। इसका कारण मध्यकालीन इतिहास में है। पूरे भारत में मुस्लिम सल्तनतें थी और पूरे भारत में उनका हिंदू प्रतिरोध। पूरे भारत में दास्ता से बचने के लिए जंगल थे। तुर्की शासन के आतंक के कारण हिंदुओं की आधी आबादी जंगलों में छुपकर जंगली जानवरों की तरह जीवन बिताने को मजबूर हो गई। आज भी देश की वही 50% जनता विकास की दौड़ में पिछड़ी हुई है। अधिकांश मुस्लिम शासक हिंदुओं का जबरन धर्मांतरण करते थे, मंदिर तोड़कर उनके स्थान पर मस्जिदें बनाते थे, हिंदू महिलाओं पर अत्याचार करते थे या अपनी हरम में रख देते थे, हिंदू किसानों को गुलाम बनाकर निर्दयतापूर्वक बेचते थे। अब जरा इनकी तुलना हिंदू राजाओं से करें। राणा प्रताप और छत्रपति शिवाजी ने अपने जीते हुए क्षेत्रों में मुस्लिम महिलाओं का अपनी बहन बेटी के समान आदर किया, कुरान की प्रतियों का सम्मान किया, मस्जिदें नहीं तोड़ी, धर्मांतरण नहीं किया, गुलाम नहीं बनाया, विविधता को संरक्षण दिया। इसे कहते हैं संस्कृति। इस संस्कृति को बचाने के लिए जो भीलों के साथ बैठकर घास की रोटी खा रहे थे, वे धार्मिक स्वतंत्रता के वैश्विक मूल्यों के संरक्षक थे। वैश्विक मूल्यों से ही भारत बनता है, बेहतर विश्व बनता है। बाबर ने आश्चर्य से कहा था कि इस देश में बाहरी आक्रमणकारी गांव के गांव जला डालते हैं, लोगों को मार देते हैं, बस्तियां तबाह कर देते हैं। लेकिन कुछ ही वर्षों के बाद वही गांव पुनः समृद्धि से फलते फूलते, उत्सव मनाते, नाचते गाते नजर आते हैं। ऐसा कैसे है?
कोई उसे बताता कि तुम लोगों के शरीरों को मारते हो, आत्मा तो अवध्य है, लोग नए शरीरों में आ जाते हैं। उस सभ्यता को काल कैसे मिटाएगा जिसको महाकाल ने शुरू किया। यहाँ आदि योगी मृत्यु के सिर पर ताल ठोक कर नाचते हैं। ये उन हिंदुओं का देश है जो जीवन और मृत्यु दोनों का उत्सव मनाते हैं। वर्ष के 365 दिनों में 365 त्यौहार। हिंदुओं के लिए भारत भूमि केवल धर्म भूमि नहीं है, ये योगियों की रास लीलाओं की भूमि है। इसलिए सैकड़ों भयानक आक्रमणों के बाद भी जनमानस अवसाद से बच गया। कल्पतरु की उत्सव लीलाओं ने सभ्यता के वृक्ष को कभी सूखने ही नहीं दिया। इंडस से इंडस्ट्री शब्द निकला प्रतीत होता है। जो समाज इंडस वैली सभ्यता से ही उद्योग प्रधान था, वही केवल 100 सालों में गरीब होकर कृषि प्रधान हो गया। अकाल पड़ा तो एक तिहाई जनता मर गई, फिर भी कंपनी के राजस्व में बढ़ोतरी हुई। किसान ने लगान कहां से चुकाया,